सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में वे दावा कर रही हैं कि वामपंथी सरकारों ने हर जगह हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। वीडियो में पूर्व जस्टिस को ये कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर से जुड़े ऐसे ही एक आदेश पर रोक लगाई थी। वीडियो संभवतः मंदिर परिसर के बाहर का है, जिसे इस समय कई लोग शेयर कर रहे हैं और पूर्व जस्टिस की तारीफ हो रही है। इन वामपंथी सरकारों के साथ ऐसा ही है, ये लोग सिर्फ राजस्व को हड़पना चाहते हैं, वो सिर्फ राजस्व के कारण कब्जा करना चाहते हैं। उनकी समस्या राजस्व है, सभी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, सब कुछ पर, लेकिन केवल हिंदू मंदिर पर। इसीलिए न्यायमूर्ति ललित और मैंने ऐसा होने से रोक दिया था। We are so proud of you, madam. Because we have done a whole job. How can you, you know, exclude them from the administration? That's what happens with these communist governments. They want to just take over because of the revenue. Their problem is the revenue. All over they've taken over. All over. Only Hindu temple. So Justice Lalit and I said, no, we'll not allow it. इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां कुछ लोग पूर्व जस्टिस की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ वामपंथी इसे देख विचलित हैं। उनका कहना है कि सोचिए जब इंदु मल्होत्रा के पास केस आता होगा तो वो कितना पक्षपात करती होंगी। कुछ लोग उन्हें हिंदुत्व का जहर बता रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व जस्टिस केरल के जिस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में बात कर रही हैं, उसके प्रशासन और उनकी संपत्तियों के अधिकार को लेकर जुलाई 13, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर राज परिवार के अधिकार को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे और मुख्य कमेटी के गठन तक ये व्यवस्था रहेगी। कोर्ट ने आदेश में ये साफ कहा था कि मुख्य कमेटी में राज परिवार की अहम भूमिका रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन है पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा। आपको बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा पहली एक ऐसी महिला अधिवक्ता रहीं जो वकील से सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई थी। वे सबरीमाला मामले में फैसले के समय पीठ की अकेली ऐसी जज थी जिन्होंने मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने से ज्यादा धार्मिक हितों की सुरक्षा का समर्थन किया था। और इसके अलावा वे समलैंगिक यौन संबंध मामले में फैसला सुनाने वाली पीठ का भी हिस्सा थी। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा 31 अक्टूबर 2021 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुई थी और इस साल पंजाब में चुनाव से पहले जो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला आया था, उसकी जाँच भी इंदु मल्होत्रा को दी गयी थी। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।